भी देख रहे हैं, पीयूष रो रहा है। छी 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 छी। जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। आशा करते हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना मैं खाना बनाने जा रही हूँ, चावल बन चुकी है मेरी और अभी ना मैं सब्जी बनाऊंगी। तो जैसे कि आप लोग तो देख ही चुके हैं कि मेरी जो सासू मोम है वो आई हुई है, तो आज ना हम लोग मछली बना रहे हैं क्योंकि मेरी जो सासू मोम है वो तो मीट खाती नहीं है, तो मछली आज बना रहे हैं हम लोग। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ना हमारा जो आयुष है स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका है और अभी जूता साफ कर रहा है। तो आज शनिवार का दिन है, तो शनिवार को क्या होता है ना, स्कूल में चेकिंग होता है थोड़ा साफ़ सफाई का, और नाखून भी चेक किया जाता है। तो कल ही कटवा लिया था आयुष नाखून सब, तो इसीलिए थोड़ा सा जूता चमका के जा रहा है आज स्कूल, ताकि मार ना पड़े उसको, क्योंकि मार से तो सभी को डर लगता है, तो उसको भी डर लगता है, इसीलिए मार से बचने के लिए साफ सफाई अभी कर रहा है आयुष। आज ना आयुष की दादी आयुष को मेन रोड तक छोड़ने के लिए जा रही है, और बैग देख सकते हैं कितना वजन है, तो उठा नहीं पा रही है अच्छा से। ये देखिए कमर में लेके जा रही है क्योंकि भारी ही इतना ज़्यादा है। मैं बोल रही थी माँ को कि आप मत जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है बैग, पर माँ मानी नहीं और चली गई पहुँचाने के लिए आयुष को। आयुष के जाने के बाद ना पीयूष को मैं सुला चुकी थी, और सुलाने के बाद नहाना पूजा करना सब कुछ हो गया था मेरा, और सब कुछ करने के बाद ना मैं अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। पीयूष अभी सो रहा था तो मैं ना अभी साग काट रही थी, और कल का जो स्नेल वाला पीठा था ना दोस्तों, वो तो बहुत ही टेस्टी बना था, तो खा के बहुत मज़ा आ गया मुझे तो। और नेक्स्ट बार अगर स्नेल मिल जाता है ना, तो मैं पत्ते में जला के बनाऊंगी स्नेल का पीठा, क्योंकि पत्ते में जला हुआ जो स्नेल का पीठा होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मछलियों को ना मैं फ्राई कर चुकी हूँ, और अभी मैं मछली का करी बनाने वाली हूँ। और ये चौलई साग है, तो आज चौलई साग की भी भाजी बनने वाली है। और आज शनिवार का दिन है, तो आयुष भी जल्दी से आ गया है, 11 बजे तक घर आ गया था आयुष। जो खाला
तो मछली की जो करी है ना वो बन चुकी है। तो सभी खाना खा चुके हैं और मैं अभी खाना खाने के लिए बैठ चुकी हूँ। और ये देखिए, ये है मेरा फेवरेट फिश, मछली का। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख के सोच रहे होंगे ना कि इसकी सासू मोम आई है और अकेले अकेले में खाना खा रही है। तो दोस्तों, क्या हुआ ना कि मेरी सासू मोम का मायके भी सामने वाला गांव है, तो आज वहां पर उनको खाने के लिए बुलाया गया है, तो वहीं पर गई हुई है मेरी सासू मोम। इसीलिए मैं अकेले खाना खा रही थी और शाम को हमारे घर में खाने वाली है माँ, तो बस यही कारण था कि मैं अकेले खाना खा रही थी दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो आयुष है ना वो ट्यूशन जा रहा है, तो आजकल साइकिल से ही जाता है, मुझे पहुँचाने का जरूरत नहीं पड़ता है। और ये देखिए, आगे आगे पीयूष भी निकल गया है साथ में जाने के लिए, अभी दौड़ते हुए जाएगा हमारा जो पीयूष है, तो उसको लाना पड़ेगा मुझे। ये देखिए कितना दूर भाग गया निकलते निकलते, और उसका स्पीड देखिए कितना स्पीड से जा रहा है वो। रुको 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 बाबू, रुको रुको रुको, चलो 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 चलो। आजा आजा आजा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो पीयूष है ना साथ में जाने खोज रहा था उसका, ये देखिए रोना चालू हो गया है। वो भी भैया के साथ जाएगा, अभी से पढ़ाई करेगा, पढ़ाई तो नहीं बदमाशी करेगा दोस्तों, इसीलिए जा रहा था। बाद में भैया आ जाएंगे बाबू थोड़ा देर बाद। हाँ आ जाएंगे भैया, आ जाएंगे ना। देखो देखो रे बाबू रे, ए देखो सब कोई देख रहा है रे, पीयूष को सब सभी देख रहे हैं, पीयूष रो रहा है। छी 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 छी, गंदा बच्चा पीयूष रो रहा है। अच्छा ठीक है बाबू, हम लोग बाद में जाएंगे, भैया आ जाएंगे, है ना। तो पीयूष भी हमारा आयुष के साथ जाना चाहता था दोस्तों, इसीलिए इसका रो रो के बुरा हाल हो रहा है, तो अभी इसको थोड़ा शांत कराना पड़ेगा मुझे। तो आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।